गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण चुनाव के भाजपा प्रत्याशी सीपी चंद के चुनाव जीतने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान कचहरी क्लब मतगणना स्थल से इंदिरा बाल बिहार तक कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया और बारी बारी से माला पहनाकर जीत की बधाई दी। जिसके संबंध में नवनिर्वाचित MLC सीपी चंद ने बताया कि समस्त जनप्रतिनिधियों के सहयोग से और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से यह जीत हासिल हुई है। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायतों को ज्यादा से ज्यादा सहायता देना यह हमारी प्राथमिकता है, इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा और सरकार प्रतिनिधियों के सम्मान में वृद्धि कर रही है, उनके अधिकार में वृद्धि कर रही है और हम सभी सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि ग्राम पंचायतों को जल्द से जल्द सहायता मिलेगा। वही कार्यकर्ताओं ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीतने के बाद गोरखपुर महाराजगंज के स्थानीय प्राधिकरण चुनाव में MLC सीपी चंद ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए GD मिश्रा और नवनिर्वाचित भाजपा के MLC सीपी चंद ने कहा, हरियाणा
चंद अमर रहे, अमर रहे, मारकंडे चंद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, योगी मोदी सिपी चंद जिंदाबाद, जिंदाबाद, मोदी सिपी चंद जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे नीचे करो ना, उसे भारी बहुमत से विजयी बने हैं। इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं चाहूंगा कि सब लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें। अभी आपके प्रत्याशी प्राथमिकताएं बची हुई है, सारे कार्यकर्ताओं में अति उत्साह है। पूरे उत्तर प्रदेश में एक तरफा जीत, सारी चीजों पर भाजपा जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सभी सीटों पर विजय प्राप्त कर रही है। जेडी मिश्रा मेरा नाम है, मैं मीडिया प्रभारी हूं। आज ऐतिहासिक खुशी की बात है, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार के बाद आज गोरखपुर महाराजगंज में एमएलसी सीपी चंद ऐतिहासिक जीत की ओर अगर जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अधिकार लोगों से जीतने जा रहा है, इसलिए हम सारे लोग आज अपार खुशी मना रहे हैं। इसके उपलक्ष्य में हम लोग आज यहाँ साथियों के साथ जश्न मना रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। जीत हासिल क्या कहेंगे? जनता का आभार, हमारे जो समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधियों का आभार और धन्यवाद, उनको ये बधाई उनको है, ये जीत का श्रेय उनको। समाज में क्या जो प्राथमिकता हमारी है, हमारे ग्राम पंचायतों को ज्यादा स्वायत्तता देना ये हमारी प्राथमिकता है, इसको जल्द से जल्द हम लोग पूरा करेंगे। सरकार के क्या कहेंगे? सरकार जो है वो जनहित के काम कर रही है और हमारे प्रतिनिधियों के सम्मान में वृद्धि कर रही है, उनके अधिकार में वृद्धि कर रही है, उनको स्वायत्तता दे रही है। हम जो है सरकार का आभार व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि और पूर्ण स्वायत्तता जो है ग्राम पंचायतों को जल्द से जल्द मिलेगा।